गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप घर पर ठीक होंगे बेटा और घर पर बैठ के स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। तो ये है फिफ्थ क्लास, इसकी इंट्रोडक्शन है आपको। सब बच्चे अपने अपने बुक खोलेंगे और नोटबुक भी खोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कहते हैं बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री आपके आज का टॉपिक है, फिफ्थ क्लास चैप्टर 13, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर 13। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री कि अब आप इसको सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं और इसमें हम क्या करते हैं। कहते हैं थ्री बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ ज्योमेट्री एंड पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ज्योमेट्री आर पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। कहते थ्री बिल्डिंग्स, जो तीन इमारतें हैं या तीन पॉइंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं ज्योमेट्री के, वो कौन कौन से हैं? पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। देखिए बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर आपका है 116 पेज खोलिए, तो आपको इस बुक में से ही थोड़ा सा समझाया जाएगा। थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ज्योमेट्री आर पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? पॉइंट, लाइन एंड प्लेन्स। तीन पॉइंट्स हैं बेटा इसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। इसके आधार पर आप ज्योमेट्री समझेंगे। सबसे पहला है पॉइंट। ए पॉइंट इज़ एन एक्सैक्ट लोकेशन इन स्पेस, इट हैज़ नो लेंथ एंड नो विथ। कहते हैं पॉइंट जो है, पॉइंट मतलब क्या होता है? बिंदु। आपको जैसे ये दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, तो ये सारे क्या है आपके? पॉइंट। तो कहते हैं कि पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस है, एक प्लेस की, एक जो स्पेस, एक स्थान है, उसकी लोकेशन होती है, स्थिति होती है। इट हैज़ नो लेंथ एंड नो विथ, ना इसकी कोई लंबाई है ना ही इसकी कोई चौड़ाई है। वी रिप्रेजेंट ए पॉइंट बाय डॉट, हम इस डॉट की सहायता से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लेबल इट विद ए कैपिटल लेटर, इसको एक कैपिटल लेटर से लेबल कर सकते हैं। जैसे ये हमने लिखा ए, ये हमने लिखा बी, ये हमने लिखा सी, ये हमने लिखा डी, ये हमने लिखा ई, ये हमने लिखा एफ। मतलब आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, किससे? कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं। सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इज एवरीडे लाइफ आर। तो कहते हैं दिस टिप ऑफ योर पेंसिल, अगर हम एक पेंसिल बनाते हैं लाइक दिस, जो इसका ये पॉइंट होता है, जो आपकी पेंसिल छील जाती है शार्पनेस, ये हमारा क्या है? पॉइंट। इसका नाम हम पी दे सकते हैं, क्यू दे सकते हैं, आर दे सकते हैं, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सब बच्चे पहले ब्लैक बोर्ड से ध्यान से देखिए कि पॉइंट को हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन। नेक्स्ट क्या है आपका? लाइन। लाइन कोई भी हो सकती है। ए लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड ऑन एंड ऑन इट बोथ द डायरेक्शंस विच आर नॉट एंडिंग। कहते हैं लाइन आप कुछ भी खींच सकते हैं, लाइन्स के बारे में है, कुछ भी लाइन खींच सकते हैं, छोटी बड़ी कुछ भी कर सकते हैं, इसका जो पॉइंट का एंड है वो नहीं होता। ए लाइन इज नेम्ड बाय यूजिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन लाइन, दस द लाइन गिवन बिलो इज नेम्ड एन ए बी लाइन, ए बी और बी ए लाइन बी ए। तो हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपना नाम किया, पॉइंट लगा ए, यहाँ लगा दिया बी, यहाँ पॉइंट किया सी, यहाँ पॉइंट किया डी, तो आप लाइन पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ए लाइन कैन ऑल्सो बी कर्व, जो लाइन होती है ऐसे कर्व भी हो सकती है, जिगजैग के रूप में आती है। ए कर्व लाइन इज कॉल्ड ए कर्व। ए कर्व लाइन को क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। आप ऐसा ले सकते हैं, आप ऐसा ले सकते हैं, आप ऐसा ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन कुछ भी हो सकती है। लाइन सेगमेंट नेम है आपका ना। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है आपका? ए प्ले पार्ट ऑफ ए लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट, इट हैज़ ए फिक्स लेंथ एंड कैन बी मेजर। जैसे लाइन सेगमेंट आपको क्वेश्चन दिया जाता है,
आपने ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, आपने एक लाइन यहाँ से जो खींचनी है वो यहाँ तक जो खींची है वो कितने नाप की खींची है, माप कितना उसका 5 सेंटीमीटर, ए बी उसका नाम रखें। फिर कह सकते हैं आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, तो आपने रख दिया सी ओ डी 6 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे उसके जो लाइन मेजर है वो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट में माप का होता है, आप उसको मेजर करके कर सकते हैं स्केल की सहायता से। द पॉइंट्स ऑफ विच द लाइन सेगमेंट बिगिंस एंड एंड आर कॉल्ड इट्स एंड पॉइंट। जब ये लाइन शुरू करते हैं तो ये एंड होती है, तो उसे क्या कहते हैं, एंड पॉइंट्स। द गिवन लाइन में सेगमेंट सी एंड डी एज द एंड पॉइंट्स, देखिए इसके सी और डी क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। इट इज़ नेम बाय यूजिंग दिस एंड पॉइंट्स एज सी डी और डी सी, हम इसको सी डी भी बोल सकते हैं और डी सी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रे, रे होती है किरण, रे होती है किरण, रे को हिंदी में क्या कहते हैं, किरण। किसी का नेम नहीं है बेटा, किरण। जैसे रेज आती हैं, रे स्ट्रेट पाथ दैट हैज नो एंड पॉइंट्स एंड गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन, जो कहते हैं कि एक जो है रे जो है सीधी चलती रहती है, इसका पॉइंट तो शुरू होता है लेकिन एंड पॉइंट कुछ नहीं होता, सो ऑन चलती रहती है। ओके कोई भी रे हो सकती है, तो ये है आपकी रे किरण, इट हैज नो एंड पॉइंट्स और इट फॉल्स ऑन डायरेक्टली। दिस रे बिगिंस एट पॉइंट पी एंड गोज थ्रू पॉइंट क्यू, हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे पी से स्टार्ट हुआ क्यू तक गई, पी से स्टार्ट हुई क्यू तक गई, आर से स्टार्ट हुई एस तक गई, एस से स्टार्ट हुई जी एल एम एम पे, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसे कहते हैं रे। नेक्स्ट इज आवर प्लेन, अ प्लेन के प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, इट मैथमेटिक्स ए प्लेन गोज ऑन एंड ऑन इन ऑल डायरेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बारी, आपकी बुक में ही है प्लेन के बारे में, आप उसमें डिस्कस करेंगे, 2 मिनट्स हैं आपके पास, सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से देखिए और पढ़िए इसको, ओनली 2 मिनट्स हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने किन किन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, पॉइंट के, लाइंस के, फिर हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा है, रे के बारे में पढ़ा है, अब हम कर रहे हैं प्लेन। प्लेन होता है एक समतल स्थान, समतल, जिसकी बाउंड्री के बारे में हम पढ़ेंगे, अब देखते हैं। देखिए प्लेन क्या है, आपकी बुक में ही है, ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस, ये समतल सरफेस होता है, स्थान होता है। इन मैथमेटिक्स ए प्लेन गोज ऑन एंड ऑन इन ऑल डायरेक्शन, ये मैथमेटिक्स में जो प्लेन है ये कहीं भी आ जा सकती है, मतलब ये जो लाइन है आगे तक चली जाएगी। वी यूजली वर्क विद जस्ट ए पार्ट ऑफ ए प्लेन, पॉइंट्स एंड लाइंस लाई ऑन ए प्लेन, ए प्लेन कैन बी नेम्ड बाय यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स नेम ऑन इट, द गिवन फिगर शोज प्लेन ए बी सी, द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स डज नॉट मैटर। तो ये देखिए इन्होंने दिया है ए बी सी, प्लेन है इसका ए बी सी, जो आपकी बुक में है, देखिए प्लेन, ये ऐसे एक आपका स्क्वायर टाइप है, ये जो लाइंस है आपकी ये क्या है, प्लेन, इसका नाम दे सकते हैं हम ए बी सी सी डी एफ कुछ भी। ओके स्टूडेंट्स, डीजी, ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसे कहते हैं प्लेन, इसलिए सब बच्चे अपने बुक में से भी पढ़ेंगे इसे। All students read carefully from your book. तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके एक्सरसाइज चैप्टर 13 में यूज़ होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहते हैं ए प्लेन कैन बी नेम बाय यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स, कोई भी नाम दे सकते हैं इनको हम, द गिवन फिगर शोज प्लेन ए बी सी, द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट डज नॉट मैटर, जो इसके ऊपर पॉइंट दिया वो कोई भी
मैं तो नहीं रखता, कोई मैटर नहीं करता। तो अब आपके सामने एक्सरसाइज है 13.1, सब बच्चे ध्यान देंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, 13.1 एक्सरसाइज आप खुद ड्रॉ करेंगे, इसको आप क्वेश्चन समझेंगे। अब है आपको ये बताना कि डी क्या है, डी किसे कहते हैं, प्रोटेक्टर किसे कहते हैं। डी किसे कहते हैं, प्रोटेक्टर किसे कहते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बारी। सब बच्चों को क्लियर हो गया, देखिए बेटा प्रोटेक्टर है आपके सामने, दिखाते हैं आपको, आपकी बुक में है, ये देखिए ये है प्रोटेक्टर, जिसे आप कहते हैं डी। प्रोटेक्टर क्या है, डी। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम किसके यूज़ करते हैं, एंगल्स को बनाने के लिए। एंगल्स क्या होते हैं, कोण। एंगल्स क्या कहते हैं हिंदी में, कोण। आप 60 डिग्री का बनाइए, 30 डिग्री का बनाइए, 20 डिग्री का बनाइए, 90 डिग्री का बनाइए, 180 डिग्री का बनाइए, मतलब कोई भी आप डी की सहायता से कोण बना सकते हैं। जो डी है लाइक दिस होता है आपका, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं, जो हमारे नंबर होते हैं, देखना आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 लाइन्स है आपकी, आप देख सकते हैं अपने डी में, सबसे नीचे स्टार्ट किया है 10 से, 2 लाइन्स में नंबर दिए होते हैं, यहाँ दिए होते हैं, यहाँ 10, 20, 30 होता है लाइक दिस। यहाँ आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है 180, 170 लाइक दिस, 160। तो आपने नीचे ही लाइन देखी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर 30 डिग्री का कोण बनाया हमने, ये समझिए यहाँ पे लाइन खींची हुई है, ये यहाँ पे रखेंगे और 30 डिग्री हमारा यहाँ है, तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये हमारा 20 डिग्री का बन जाएगा, ये हमारा 10 डिग्री का बन जाएगा, और बिल्कुल सीधा करेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा ये लाइक दिस, और ये बिल्कुल सीधा यहाँ जाएगा तो ये 180 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार आप डी की सहायता से इसे क्या कहते हैं, प्रोट्रैक्टर और डी, और क्या कहते हैं इसको, डी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप डी की सहायता से एंगल बनाना सीखेंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, नाम से स्पष्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये देखिए, ये आपको कोई भी एक एंगल दे दिया जाता है, क्वेश्चन आता है आपका नेम द इंटीरियर एक्सटीरियर। नेम द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल। अब देखिए इन्होंने कहा है, ये एक आपका एंगल है, ठीक है, कोण है, कोई सा भी हो सकता है, इसकी ये पॉइंट्स कहाँ है, इसके अंदर, तो ये क्या पोर्शन बन गया, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट है हमारा दूसरा एक्सटीरियर, ये जो अंदर है इस एंगल के अंदर है उसे कहते हैं इंटीरियर, जो बाहर है उसे कहते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर, क्या तो रही हो, नाम से स्पष्ट है। तो आप बताएंगे कौन कौन से एंगल्स अंदर हैं, लिख दीजिए, आप कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट पॉइंट डी ई एफ आर इंटीरियर, और पॉइंट एल लाइक दिस, एल और एम, एल एम आर एक्सटीरियर। इसे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इंटीरियर होता है अंदर और एक्सटीरियर होता है बाहर। तो एंगल्स भी आप बना सकते हैं, आप घर पर बैठ के इसकी स्टडी करेंगे, जब हम आपको इसको चैप्टर से रिलेटेड समझाएंगे तो आपको करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्ज़ाम में आपके एंगल्स बनाने, रे
लाइन सेगमेंट, ये सब चीज़ें आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके अंदर होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? कोना और आर्म्स। वर्टेक्स और आर्म बतानी है हमने, किया ये ए, ये बी, ये सी। तो वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर। ये आपका जो पॉइंट कट रहा है ये हमारा क्या है? वर्टेक्स ए। वर्टेक्स क्या आ गया? ए। और आर्म होती है भुजाएं, आर्म्स होती है भुजाएं। जैसे ये है लाइन आपकी ए बी और ये हमारी है ए सी, तो आर्म्स हो गई ए बी एंड ए सी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं एक लाइन और खींच देती ये डी, तो आर्म्स हमारी कौन सी हो जाती? ए डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होती है जो लाइन है आपकी लंबी लंबी, ये होती है आर्म्स। क्या होती है? आर्म्स, भुजाएं। और जो ये पॉइंट कटता है इसे क्या कहते हैं? वर्टिक्स, कोना। ओके स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ आपको हिंदी भी समझाती हूँ ताकि आपको हिंदी में भी माइंड में रह जाए। इसमें एक क्वेश्चन होता है सम ऑफ थ्री एंगल्स आर। सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम होता है प्लस करना, सम ऑफ एंगल्स तीनों पढ़ा गया हो कितना होता है? 180 डिग्री। 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना आ गया? 180 डिग्री। इसे डिग्री बोलते हैं बेटा, जो छोटा सा पॉइंट ऊपर जाता है इसे कहते हैं डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपको समझनी है और खुद नोटबुक में भी करनी है। जब आपको समझाया जाएगा तो आपने उसे अच्छे से वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री आप अपने अच्छे से नोटबुक में कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।